अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, बहुत बहुत खैरियत से होंगे। गाइस, आज की वीडियो जो है वो बहुत बहुत ही मज़े की होने वाली है। आज की वीडियो में मैं किड्स शॉपिंग हॉल जो है वो शेयर करूंगी, जो कि मैंने अपनी बेटी के लिए शॉपिंग किया, बल्कि दोनों बेटियों के लिए। मेरी दो बेटियां हैं और एक का नाम जो है वो नूर फातिमा है और एक का नाम जो है वो इशाल है। और अभी मैं आपसे इशाल की शॉपिंग शेयर कर रही हूँ। जो लोग लाहौर में रहते हैं उन्हें पता होगा कि टाउनशिप मार्केट जो है वो बहुत बहुत ही बड़ी मार्केट है। और ये जो ड्रेसेस मैंने बच्चों के लिए लिए हैं, ये मैंने टाउनशिप मार्केट में एक प्लाज़ा है जो कि किड्स के ही शॉपिंग सेंटर बना हुआ है वो, और हर तरह की वैरायटी है वहाँ पर और हर तरह की एसेसरीज़ आपको न्यू बॉर्न बेबी से लेकर बड़े बच्चे तक आपको हर तरह की जो है वो साइज़ भी अवेलेबल है और बहुत ही अच्छी वैरायटी है। आप ये देखेंगे जो फर्स्ट ड्रेस है ये कितना ब्यूटीफुल है, इसका प्यारा सा फिरोजी कलर है और इस तरह से इसकी सारी डिटेलिंग हुई हुई है बहुत अच्छी इसकी, क्योंकि मैं यहाँ से बहुत अरसे से ले रही हूँ और यहाँ से मुझे बहुत ही अच्छा स्टफ़ मिलता है। हर तरह की वैरायटी है, अगर आप उनसे बहुत अच्छा स्टफ़ मांगेंगे आपको बहुत अच्छा स्टफ़ मिलेगा। और ये पूरा एक शॉपिंग सेंटर बना हुआ है और बहुत अच्छी कलेक्शन होती है यहाँ पर। और ये देखें इस तरह से इसकी पैंट्स हैं पीच कलर में। और मैंने सोचा कि मैंने अपने बच्चों के लिए शॉपिंग जो किया वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोगों के लिए भी इजी हो सके। अगर आप लोगों को इस तरह की शॉपिंग अच्छी लगे और आप लोग लाहौर में रहते हैं तो इजीली आप लोग जो हैं वो यहां से बाय कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ये भी बताऊँ कि ये लोग जो इनकी जो वेराइटी है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा वेराइटी में इनके पास अवेलेबल होते हैं सूट्स। और इनकी जो प्राइजेज़ हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा रेंज में लेती हूँ, ज़्यादा जो है वो क्वान्टिटी लेती हूँ, तो एक साथ शॉपिंग करती हूँ तो बहुत ही अच्छी जो है ना इनकी प्राइजेस भी मुझे इतनी ज़्यादा, जैसे कि अगर आप लोकल दूसरी शॉप से लेते हैं, बच्चों के कपड़े आजकल बहुत महंगे होते हैं, दो दो तीन तीन हज़ार, 3000 से कम तो 2500 3000 से कम अच्छा सूट नहीं होता। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप लोगों को ये प्राइजेस भी जब मैं ज़्यादा रेंज में लेती हूँ तो इस तरह से हो जाती हैं कि बिल्कुल भी मुनासिब होती हैं, इस तरह की नहीं होती कि लगे कि ये बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं और इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं है ड्रेस की। तो इसलिए आप लोग ये वाला ड्रेस देखें, ये कितना प्यारा लग रहा है, पिंक कलर का है। और देखें इसका स्टफ़ आप देख सकते हैं, जो लोग अपने बच्चों के लिए लेते हैं उन्हें पता होगा कि स्टफ़ की क्वालिटी कितना मैटर करती है, और स्टफ़ क्वालिटी जो है देखकर ही पता चल जाता है लेते हुए। और आप ये देख सकते हैं कितना प्यारा कलर भी है और इस पर एम्ब्रॉयडरी भी हुई हुई है, और ये वाइट वाइट सा जो इसके ऊपर फ्रिल सी लगी हुई है ये भी बहुत अच्छी लग रही है। और साथ इसकी जो है वो एम्ब्रॉयडर्ड पैंट्स हैं, और ये देखें पैंट कितनी प्यारी लग रही है, और ऑफ वाइट सी जो ये फ्रिल सी लगी हुई है, आपको पता है ये बच्चों के ऊपर जब बच्चे पहनते हैं तो वो कितने प्यारे लगते हैं। माशाल्लाह से मेरी बेटी भी बहुत प्यारी लग रही थी इसको पहनकर। तो ये देखिए बटन्स की भी डिटेलिंग बहुत अच्छी हुई हुई है। मैं बस इसीलिए आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ सारी शॉपिंग शेयर करती हूँ अपनी ब्रांड्स की, मेकअप की, कपड़ों की, तो मैंने सोचा मैं अपने बच्चों की भी शॉपिंग जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। ये देखें ये वाला कलर भी बहुत प्यारा लग रहा था उस पर, और नहीं ये वाला मैंने ड्रेस अभी उसको पहनाया नहीं है, तो एक दो ड्रेसेस ही पहने हैं, ये कलर भी उसके ऊपर बहुत सूट करता है। और ये देखें एम्ब्रॉयडरी भी हुई हुई है और बटन्स भी लगे हुए हैं, जिप भी है, बहुत प्यारे अपर बने हुए हैं ये, और सर्दियों के लिए तो बेस्ट है। सर्दियों के लिए जो स्टफ़ होता है वो बहुत मैटर करता है कि स्टफ़ प्यारा भी हो, अच्छा भी हो और गर्म भी होना चाहिए। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा इसका ट्राउज़र है, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। प्राइजेस जो हैं वो मैं आपको इसलिए नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी इकट्ठी शॉपिंग की है। वर्थ जो है इसकी ये 30,000 रुपीज़ में जो है मैंने अपनी दोनों बच्चियों की शॉपिंग की है। और अभी मैं आपके साथ पार्ट वन शेयर कर रही हूँ, ये छोटी बच्ची की मेरी शॉपिंग है, वो 1 ईयर की होने वाली है, तो उसके ऊपर तो माशाल्लाह से ये सारे ड्रेसेस जो भी एक दो पहने हैं उसने वो बहुत अच्छे लग रहे हैं और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। यहाँ तक कि मेरी बड़ी बेटी के जो कपड़े हैं उनका स्टफ़ अभी भी वैसे का वैसा ही है, हालाँकि वो बहुत ज़्यादा गंदे कर देती है, इसके बावजूद जो है कि उसके ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं वो पुराने कपड़े भी, क्योंकि इनका जो स्टफ़ है ये बिल्कुल ऐसा ही रहता है और बहुत अच्छी क्वालिटी वाइज है। अब ये देखिए छोटा सा फ्रॉक बना हुआ है ये,
और एम्ब्रॉयडरी भी है इस पर, कितने प्यारे फ्लावर्स लग रहे हैं। ये पत्ते से बने हुए हैं, लीव्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। और बटन्स की क्वालिटी और स्टफ़ की क्वालिटी ट्रस्ट मी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ये ड्रेसेस। कल जो लोग मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जितनी भी आएँ उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं जो बहुत सारी मेकअप से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ और शॉपिंग से रिलेटेड, ब्रांड से रिलेटेड मेकअप रिव्यूज़, बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शन के जो हैं वो रिव्यूज़ देती हूँ, तो कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो लेकर आऊँ जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो सके। तो अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। गाइस ये वाला ड्रेस जो है ये आप देख सकते हैं कि इसका स्टफ़ तो बहुत बहुत अच्छा है। इस तरह का स्टफ़ जो है आपको जो है वो कम ही मिलता है, और अगर मिल जाए तो आपको पता है कि वो बहुत महंगा होता है। ये भी बहुत महंगे महंगे हैं, लेकिन बाहर से जब आप लेते हैं तो उससे यानी बहुत कम वो लोग रीज़नेबल प्राइजेज़ में देते हैं वो लोग, और स्टफ़ भी बहुत अच्छा होता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो लोग लाहौर में रहते हैं वो एक दफ़ा टाउनशिप मार्केट में इस जो प्लाजे का ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और ये देखिए इसके साथ इनर भी है पिंक कलर में, आप चाहें तो ये अपर ना पहनाएं अगर ज़्यादा ठंड ना हो, और जब ज़्यादा ठंड हो तो आप इसको अपर को भी पहना सकते हैं। और ये वाला ड्रेस जो है इसने अभी कल ही पहना है, और इसमें ये बहुत प्यारी लग रही थी मेरी बेटी, क्यूट लग रही थी बहुत, क्योंकि स्टफ़ भी बहुत प्यारा है और कलर भी आपको पता है कि बेबी गर्ल्स पे पिंक कलर कितना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने पिंक कलर के भी बहुत सारे ड्रेसेस जो हैं वो बाय किए हैं। और ये देखें, और येलो कलर और मेरा जो है वो फेवरेट है। मेरी सारी शॉपिंग्स में आप देख सकते हैं कि मेरे येलो कलर में के बहुत सारे मैं कपड़े ख़रीदती हूँ, और इसी तरह मुझे बच्चों को पे भी बहुत प्यारे लगते हैं येलो कलर, तो इसलिए मैं येलो कलर में भी कोशिश की है कि मैं ज़्यादा ले सकूं। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारे से फ्लावर्स बने हुए हैं इस पर, और स्टफ़ वाइज और कलर वाइज आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, और बहुत प्यारे अपर स्टाइल्स बने हुए हैं। और शाल जो है वो इस तरह के कपड़ों में और प्यारी लगती है, बहुत प्यारी लगती है मेरी बेटी इस तरह के कपड़ों में। तो ये देखें येलो कलर, येलो पैंट्स हैं इसके साथ, वो भी एम्ब्रॉयडर्ड। तो इस तरह के कपड़ों को ना वो देखती भी रहती है। हाँ, आपको पता है बच्चों का जो ज़्यादातर ध्यान कलर्स पे जाता है छोटे छोटे बच्चों का, तो वो अपने कपड़ों को भी जो है ना वो देखती रहती है, तो बहुत खुश रहती है इस तरह के ड्रेस इस तरह के कलर्स में। इस तरह से ये वाला इसकी बैक साइड पे इस तरह से इसका अपर है, और हर अपर जो है वो बहुत प्यारा बना हुआ है। ये देखें ये येलो कलर का फ्रॉक है, और ये बहुत ही प्यारी डिटेलिंग हुई हुई है इस पर नेट के साथ, और बटन्स लगे हुए हैं, और इस तरह से इसकी बेल्ट भी बनी हुई है और कॉलर भी बना हुआ है। बहुत प्यारा लग रहा है ये वाला ड्रेस, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये देखें बहुत प्यारे ड्रेसेस हैं, बहुत प्यारी शॉपिंग की है मैंने अपने बच्चों के लिए। मैंने आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर किया कि आप लोग भी देखें, मैं अपनी बहुत सारी इस तरह की वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ। आप लोग मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखें इसके साथ एम्ब्रॉयडर्ड पैंट्स हैं, और बहुत अच्छी लग रही हैं ये पैंट्स। पैंट बहुत प्यारी है, और इस तरह का जो ये जो येलो कलर का फ्रॉक है इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, नेट फैब्रिक भी ऊपर है और गर्म है, ठीक है। इस तरह के गर्म है कि आप लोग बस हाई नेक पहनाएं और इजीली ये पहनाएं, इसके ऊपर आपको पहनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ़िलहाल तो नहीं ज़रूरत पड़ेगी। बहुत प्यारे कपड़े हैं ये सारे के सारे, बहुत अच्छी शॉपिंग है ये। और ये देखिए बटन्स के साथ बहुत अच्छी डिटेलिंग की हुई है फ्रॉक स्टाइल। इस तरह से जो है आप लोग अपने बच्चों के सिलवा भी सकते हैं, एक तरह की ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ की वीडियोस भी है छोटे से बच्चों के लिए। और ये देखें, और ये वाला जो ड्रेस है ये बिल्कुल जिस तरह से मैंने भी आपको पिंक कलर में दिखाया था उसी तरह के स्टफ़ में ये येलो कलर में है, और बहुत ही प्यारा इसका स्टफ़ है, बहुत बहुत प्यारा इसका कलर लग रहा है। ये देखें ये भी इस तरह से है कि इसके साथ इनर भी है, और अगर आप लोग चाहें तो ये अपर ना पहनाएं, क्योंकि बहुत ही मोटा स्टफ़ है,
इसीलिए आप लोग इसको ज़्यादा ठंड में भी पहना सकते हैं। और ये देखिए कितनी प्यारी सी बटन से डिटेलिंग हुई भी है। इस तरह के कपड़ों से ना बच्चे जो है ना वो बहुत खुश होते हैं देख देख कर। और ये देखें इसका स्टफ़ बहुत प्यारा है, इसके पजामे का भी और उस पर भी छोटी थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हुई भी है, और पजामे का स्टफ़ भी बहुत अच्छा है और फुल गर्म सूट है ये। इस तरह के सूट अगर आप पहनाएंगे तो बच्चों को ठंड तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी ना, क्योंकि ये डबल है, ऊपर से दोनों का जो इनर है उसका भी स्टफ़ बहुत मोटा है, बहुत प्यारा स्टफ़ है उसका भी। ये देखिए ये ऊपर अपर ना भी पहनाएं तो फुल जो इसकी बाजू बनी हुई है इनर की, पूरा स्वेटर टाइप बना हुआ है ये, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत हेल्पफुल होगा मदर्स के लिए तो, कि वो बच्चों को पहनाएं और उनको ज़्यादा चीज़ें ना पहनानी पड़ें, क्योंकि बच्चे ज़्यादा चीज़ों में ना घबरा जाते हैं। और ये देखें छोटा सा चुनुमुनू सा ये मैंने पिंक कलर का ऐसा प्यारे प्यारे से इस पर फ्लावर्स बने हुए, और मैंने ये स्वेटर लिया है और ये मुझे बहुत पसंद आया। स्टफ वाइज भी आप देखें और इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके ऊपर इस तरह से छोटे छोटे ट्रीज बने हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ये, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है ये वाला ना छोटा सा। मुझे छोटी छोटी चीज़ें इस तरह की बहुत प्यारी लगती हैं, और बच्चों के लिए तो मुझे इसी तरह की शॉपिंग पसंद है। और ये देखें ये वाला भी एक ये भी स्वेटर ही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखें ऑफ वाइट और पिंक कलर में बहुत प्यारा लग रहा है। शाल जो है इस तरह की चीज़ों में इस तरह के कलर्स में ना बहुत प्यारी लगती है माशाल्लाह, तो मैं इस तरह के ही स्टफ़ उसके लिए ज़्यादातर लेती हूँ। और ये देखिए ये हाई नेक टाइप है लेकिन हाई नेक नहीं है, ये भी स्वेटर है छोटा सा तो, लेकिन आप इसको मैंने इसको जो है ना नीचे पहनाया है इनर में, उसके ऊपर मैं कोई भी अपर वगैरह पहना लेती हूँ तो ईज़िली वो पहन लेती है। वो मैंने पर्पल कलर में लिया था और ये मैंने रेड कलर में लिया है। इसको आप ऐसे भी अकेला भी पहनाएंगे तो आपके लिए इजी रहेगा, तब भी बहुत अच्छा काम चल जाता है। और ये ऑरेंज कलर का ये अपर है, ये बहुत प्यारा लग रहा है। इसको आप जीन्स की पैंट के साथ या फिर बहुत ही प्यारे प्यारे जो पजामे मिलते हैं उनके साथ अगर आप इसको पहनाएंगे तो ये बहुत प्यारी लगेगी, बहुत ही अच्छा इसका जो है ना वो ड्रेसिंग बन जाएगी छोटे छोटे क्यूट बेबीज़ के लिए। मुझे इस तरह के कलर्स और इस तरह के कपड़े बहुत पसंद हैं। ये देखिए एक और स्वेटर मैंने पिंक कलर में लिया है और ये देखिए कितना प्यारा बना हुआ है ये। ये देखें इसके ऊपर बहुत प्यारी सी डिटेलिंग हुई है, छोटा सा स्वेटर है, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। और देखें आप इस तरह से बहुत प्यारा लग रहा है इसकी इसका स्टफ़ जो है ना बिल्कुल गरम, वो जो ऊन टाइप होता है ना जो बहुत गरम वाला होता है ये, उस तरह का इसका स्टफ़ है और बहुत ही अच्छा लगे। गाइज अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और शॉपिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और कौन से ड्रेसेस जो हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे लगे हैं वो ज़रूर मुझे बताइएगा, और आप भी अपने बच्चों के लिए किस तरह की शॉपिंग करते हैं वो भी मुझे बताइएगा। और मेरी इस वीडियो को नेक्स्ट जो है वो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि बहुत सारे जो मदर्स हैं वो इस तरह की वीडियो जो है वो देख सकें और ईज़िली जो है उनको भी आइडियाज़ हो सकें स्टिचिंग के भी और इस तरह के ड्रेसेस लेने के भी। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, तब तक अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरी आने वाली सारी वीडियोस को वॉच कीजिएगा, और जो मैंने अपलोड की हुई हैं उनको भी ज़रूर एक दफ़ा देख लीजिएगा। मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है मेकअप की अलग और वीडियोस ब्रांड्स की और सेल्स की अलग वीडियोस बनाई हुई हैं, शॉपिंग हॉल वीडियोस भी मैंने बहुत सारी बनाई हुई हैं, तो एक दफ़ा मेरे चैनल को विज़िट ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।